हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी फैक्ट्स चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंसान के सबसे अच्छे दोस्त यानी कि डॉग्स के बारे में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट डेंजरस डॉग इन वर्ल्ड। हाँ जी, दुनिया के सबसे खतरनाक डॉग्स। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो इंडिया में आप कोई भी डॉग रख सकते हो, लेकिन कुछ डॉग ऐसे हैं जिनके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। और ये डॉग ना कि सिर्फ डेंजरस, ये बहुत पावरफुल भी होते हैं। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे रॉटवीलर की। फ्रेंड्स, इनकी ओरिजिन कंट्री है जर्मनी। वैसे आजकल ये हर देश में पाए जाते हैं। जो इनकी एज होती है वो 8 से 10 साल होती है, और मोस्टली फ्रेंड्स इनको ब्लैक कलर में ही पाया जाता है। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो मीडियम से लार्ज, एंड जो वेट होता है वो 50 से 60 केजी के बीच में होता है। इंडिया में फ्रेंड्स इसका जो प्राइस है वो आप 18,000 से 25,000 के बीच में कहीं भी ले सकते हैं। और ये डॉग बहुत ही बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में, सर्चिंग ऑपरेशन में और एज अ गार्ड डॉग्स काम करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट डेंजरस डॉग है वो बिल्कुल टक्कर देता है पहले वाले यानी कि रॉटवीलर को। हाँ जी, अब हम बात करेंगे पिटबुल की। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये पाया गया था यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन में। इनकी पहचान हुई थी यूनाइटेड कैनल क्लब और अमेरिकन डॉग ब्रिड एसोसिएशन से। इनकी जो एक उम्र होती है वो 8 से 15 साल के बीच में होती है। और फ्रेंड्स, ये पाए जाते हैं ब्लैक, टैन, ब्लू, ग्रे एंड ब्राउन कलर के अंदर। इंडिया में आप इजीली एक अच्छा पिटबुल 20 से 40,000 के बीच में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत ही एक ज़रूरी जानकारी है इनके लिए, वो ये है कि पिटबुल अपने गुस्से के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर इनकी परवरिश ठीक हो तो ये बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से आपके साथ रहेंगे। अब थर्ड प्लेस पर आता है डोबरमैन। सबसे पहले इनको पाया गया था अमेरिका और कनाडा के अंदर। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो मीडियम टू लार्ज होता है। ये बहुत ही शक्तिशाली और एनर्जेटिक डॉग हैं। आप अगर इनकी अच्छे से परवरिश करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको इनसे प्यार हो जाएगा। और इनका जो वेट होता है वो 40 से 45 केजी तक का होता है। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 9 साल से 12 साल होती है। और इनके जो कोट होता है वो शॉर्ट होता है यानी कि इनके जो बाल होते हैं इनके शरीर पे वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं। और यह इनकी एक पहचान की अच्छी टेक्निक है। फ्रेंड्स, आप इसको पा सकते हैं इंडिया में एक 13,000 से 15,000 के बीच में। तो नेक्स्ट डॉग जो अब इस लिस्ट में है वो है फुल मैस्टिफ। और यह एक मैस्टिफ टाइप का डॉग है। फ्रेंड्स, ये कोई एक ओरिजिनल ब्रीड नहीं है, इसे क्रिएटेड किया गया था इंग्लिश मैस्टिफ से। और इसे क्रिएटेड गया था 19वीं सदी में। इसे क्रिएटेड करा था गेम कीपर ने, बिकॉज उस टाइम पे वो चाहते थे कि ये डॉग इनके लिए गार्ड करे रियल इस्टेट्स के बिजनेस को। तो उन्होंने इस तरह का डॉग बनाया इंग्लिश मैस्टिफ से। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ा होता है साइज़ में, ब्लैक कलर का होता है। इनका वेट भी और डॉग से बहुत ज़्यादा होता है यानी कि 50 और 60 केजी के ये नॉर्मल डॉग होते हैं। फ्रेंड्स, इनका प्राइस भी इनके वेट जैसा ही बहुत हाई है। आप इंडिया में अगर चाहते हैं मूल मैस्टिफ को ख़रीदना तो फ्रेंड्स आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी यानी कि आपको स्पेंड करने होंगे 45,000 टू 80,000। हाँ जी, 45,000 से 80,000 के बीच में आप बल मैस्टिफ को। अब जिस डॉग के बारे में हम बात करेंगे वो भी मैस्टिफ फैमिली से ही बिलोंग करता है, कैनरी मैस्टिफ। फ्रेंड, ये पाया जाता है कैनरी आइसलैंड के अंदर, इसलिए इसका नाम रखा गया कैनरी मैस्टिफ। ये एक स्पेनिश ब्रीड है और फ्रेंड्स इसको रिकॉग्नाइज किया गया था FCI ने,
ये फ्रेंड्स एक क्लब है जो शोध करता है, रिसर्च करता है डॉग्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स इनका जो स्टैंडर्ड वेट होता है वो 45 टू 70 केजी होता है। ये एक लार्ज डॉग होते हैं और ये 10 से 12 साल तक जी सकते हैं। इनका जो पपी प्राइस भी होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इस लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो सबसे हाई प्राइस इन्हीं का है, यानी आपको खर्च करने होंगे इंडिया के हिसाब से 90,000 से 95,000 तक। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की तो फर्स्ट नंबर पे पिटबुल एंड सेकंड नंबर पे टेनरी मैस्टिफ है। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। और हाँ सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिंदी फैक्ट्स।